नमस्कार, द पॉलिसी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम मशकूर अहमद उस्मानी साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उस्मानी साहब प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के। मशकूर साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा मशकूर साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा आई थिंक जो चल रहा है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उनकी माइनॉरिटी स्टेटस को लेके, ये मुद्दा है क्या, कब से शुरू हुई और इसकी अभी जड़ तक क्या अपडेट क्या है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है बेसिकली वो सब जुडिस है मैटर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस मैटर को जो अचानक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पिछले महीने की बात है, आई थिंक 22 जून की बात है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने एक पब्लिक में स्टेटमेंट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि किसी सब जुडिस मैटर पर एक प्रदेश के मुखिया का, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस तरह से पब्लिक में स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को या फिर इस देश के संविधान पे को ना मानने की एक जो है क्या नाम है, एक मैसेज है उसको ना मानने का। क्योंकि जो मैटर सब जुडिस है उसके बारे में आप कमेंट क्यों कर रहे हैं? और मामला आज से सब जुडिस नहीं है, मामला 2005-06 से सब जुडिस है और इस सब जुडिस मैटर पर आप कमेंट करके एक पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाह रहे हैं कि अगर आप वाकई दलितों के बहीखा हैं, दलितों दलित समाज का उत्थान चाहते हैं तो आप दलितों के लिए क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाते हैं, आप क्यों नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें आप 50% से ज़्यादा जो है दलितों को आरक्षण दीजिए, या जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी आप उसको सही से लागू करवाइए, लेकिन जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेन आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को जो है आप खींच के लाते हैं। क्यों इसीलिए लाते हैं? चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में कहीं ना कहीं मुस्लिम लगा हुआ है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम में इस्लामिया लगा है, तो आपको लगता है कि एक ईजी टारगेट है, इसको टारगेट किया जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस सब्जुडिस मैटर में किसी को किस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए और अगर योगी जी अगर ये चाहते हैं कि वो कमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रभावित कर पाएंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि इस देश का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, इस देश का संविधान इतना मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था है हमारी, जो भी फैसला वहाँ से आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और हम उसको मानने को तैयार हैं और उनको भी मानना चाहिए। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, उनका क्या? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से एक एफिडेविट लिया हुआ है कि आप जो अभी एग्जिस्टिंग आपकी एडमिशन पॉलिसी है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि दलित आरक्षण की जहाँ तक बात है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो एक बात मैं आपके माध्यम से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो रिजर्वेशन पॉलिसी इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को भी किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, नहीं वहाँ पर दलितों को किसी तरह का कोई रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मानती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो 50% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को दिया जाएगा, बाकी जो 50% सीट है उसमें सब लोग कंपीट करके आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों को मालूम है कि इस देश के अंदर 3000 सालों से दलितों को प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया है, इसीलिए उस 50% के ऊपर हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि आप आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाके और ये कीजिए कि कुछ परसेंटेज दलितों को भी रिजर्वेशन दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस जो है हमारा आप उसके फेवर में कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तो स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो बनी है वो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट 1920 से पास है और बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी है वो MAO कॉलेज से बनी है, मोहम्मदन एंग्रो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि एक मदरसा हुआ करता था। तो ये इस बात को मतलब जानबूझकर बार बार लाया जाता है इंडिया के पॉलिटिक्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है या है, और बार बार बहस की जाती है। खैर, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है इसीलिए किसी तरह की टिप्पणी करनी जो है जायज़ नहीं होगी और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सब लोग मानेंगे और हम तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, हम लोग इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे। यहाँ जो बड़ा मुद्दा सामने आता है वो है कि इस सरकार की परफॉर्मेंस ऑन एडुकेशन, आपको क्या लगता है कि पिछले 4 साल में, चलिए छोड़ देते हैं कि ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए या ना जाए, लेकिन पिछले 4 साल में एडुकेशन सेक्टर में आपको लगता है, दिखता है कि किस कोई मेजर इनिशिएटिव लाया गया है और कुछ? कैसे नहीं, आप कैसे बोल रहे मेजर इनिशिएटिव नहीं लाया गया, बिल्कुल लाया गया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस आया इस देश के अंदर में, और वो भी जियो इंस्टीट्यूट फंडेड बाय रिलायंस फाउंडेशन। इतना बड़ा बदलाव आया है देश के अंदर, ठीक है, इसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस जो है वो इस ऐसा मुझे लग रहा है, और वो जिसमें जियो इंस्टीट्यूट का नाम है, यही इस देश में सब कुछ करने वाला है। और इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी जो 100-150 साल पुरानी है, वो सब बेकार है। ये एक मैसेज दिया है, ये एक मैसेज है क्लियर कट इस देश के अंदर, कि इस देश के अंदर पॉलिटिक्स भी जो है वो कॉरपोरेट लोग करेंगे, और इस देश के अंदर पढ़ेंगे भी कॉरपोरेट लोग, और इस देश के अंदर जो एजुकेशन के अंदर जो भागीदारी होगी, ठीक है, दिलवाने वालों की जो एजुकेशन दे रहे हैं वो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड ही देगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी, क्या इनको कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिखी इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनेंस में? जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के टॉप 10 में आती है, आप उनको इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनेंस में ना देकर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी को देते हो, फाउंडेशन बाय रिलायंस फाउंडेशन, जिसका फाउंडेशन नेट पे भी नहीं है, आपने उसको 1,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। बड़ी अजीब बात है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उससे लगातार फंड कट किए जा रहे हैं। आप देखिए, जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उसको यूनिवर्सिटी को चलाना मुश्किल हो रहा है। ये ऑटोनॉमी के नाम पे जो खेल खेला गया, जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के नाम पे 70-30 को जो इन्होंने फरमान जारी किया, हम लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में बिल्कुल मार्च किया, उसके बाद 70-30 का फरमान इस गवर्नमेंट ने बैक लिया। आप देखिए, यूजीसी को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, 42,000 करोड़ जो फंड था लास्ट ईयर उसको 25,000 करोड़ कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप होती थी रिसर्च स्कॉलर के लिए, उसकी फंडिंग कम कर दी, उसके लिए जेआरएफ को कंपलसरी कर दिया। इस तरह से इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं आपको बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे किस तरह से इन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, और शिक्षा व्यवस्था देश की आज चरमरा चुकी है। जी, एक बहुत बड़ी बिल अभी पार्लियामेंट में अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि वीमेन ट्रिपल तलाक के खिलाफ और वीमेन एम्पावरमेंट में एक बिल। आपको लगता है कि वीमेन का जो इश्यूज़ हैं, जैसे रेप जैसे जो चीज़ें, आज हर 15 मिनट में आंकड़े के अनुसार बोला जाता है कि हर 15 मिनट में रेप होता है, ये ट्रिपल तलाक, ये सारा चीज़ इनके साथ वीमेन एम्पावरमेंट लिंक है क्या? वाकई ही हमारे इस तरह से कोई ड्राइव हो रहा है? देखिए, ये जो बिल ला रहे हैं, कितने लोग ट्रिपल तलाक के शिकार है देश के अंदर? 0.001% लोग देश के अंदर ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। कितने लोग रेप के शिकार हैं? कितनी महिलाएं रेप की शिकार हैं? हर 15 मिनट पर इस देश के अंदर रेप हो जाता है। अब बताइए, इसके ऊपर क्या कोई कानून नहीं ला सकते? क्या सुधार किया आपने रेप के ऊपर? हर 15 मिनट में, मतलब एक टेम्पल के अंदर रेप हो जाता है, चाहे वो टेम्पल गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो। मुझे इस बात से बहस नहीं है, मुझे इस बात से बहस है कि एक 6 साल की मासूम बच्ची, एक 6 महीने की मासूम बच्ची, एक 17 साल की मासूम बच्ची का रेप होता है, और उन्नाव के अंदर जब रेप होता है हमारी बहन का, और उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसको रेप करने वाला और कोई नहीं, बीजेपी का MLA है। कठुआ के अंदर जब आसिफा का रेप होता है तो तिरंगा यात्रा निकाली जाती है उन लोगों को बचाने के लिए जो रेपिस्ट हैं। क्या ये देश इसी तरफ जाएगा कि हम रेपिस्ट को हम सपोर्ट करें? इंस्टीट्यूट के हम एक मजबूत कानून की बात करें, एक बेहतरीन तरह से देश के माहौल को बनाने की बात करें, सरकार में बैठे हुए लोग मंत्री तिरंगा यात्रा निकालते हैं इसीलिए ताकि उन रेपिस्ट को बचा लिया जाए, और उसके बाद कहते हैं हम देशभक्त हैं। आखिर कैसी देशभक्ति आप प्रूफ करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मोदी जी, आप जो है ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, खूब कीजिए, आप तो कर ही रहे हैं, मना करने से भी आप नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन आप रेप के बारे में कभी सोचिएगा, कम से कम 5 मिनट बैठ के सोचिएगा। और जो और सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रिपल तलाक की बात वो लोग कर रहे हैं जो गैर शादीशुदा हैं, जिन्होंने अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़ रखा है, उन्होंने तो तलाक भी नहीं दिया। बताइए कितनी अजीब बात है, ये देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पिछले 4 साल के अंदर जो है देश विनाश की तरफ जरूर गया। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे और भी आपका रोशनी डालना चाह रहा हूँ। ये हाल ही में जो जिन्ना पोर्टल को लेके कुछ बहस हुआ, और ये पूरा प्लॉट क्या था और अभी का नतीजा क्या निकला? देखिए, ये पूरा पॉलिटिकल एक प्लॉट था जो कि BJP और RSS के लोगों ने पूरा तैयार किया इसको। अब तक अलीगढ़ के MP हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी फेमस हो जाएंगे, टिकट कट चुका है उनका, अगर बोल दूँगा तो शायद फेमस हो के कहीं मिल ना जाए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, वो हमारे यूनिवर्सिटी के जो अपेक्स बॉडी है कोर्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट, उसके 3 साल मेंबर रह चुके हैं। उनको ये बात मालूम थी कि यहाँ पे जिन्ना की पोर्टल लगी हुई है। जब उनकी कोर्ट की मेंबरशिप ख़त्म होती है उसके नेक्स्ट मंथ वो एक पत्र लिखते हैं वाइस चांसलर को, और वो पत्र वाइस चांसलर तक पहुँचने से पहले, काफ़ी पहले, मीडिया में चला जाता है,
और ये बात सामने आती है कि जिन्ना की एक तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, और 80 साल से लगी, 1938 से, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऑनरी लाइफ मेंबर रहे हैं। 1938 में उनको लाइफ मेंबर बनाया गया था और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की एक परंपरा रही है। हमारे पहले लाइफ मेंबर महात्मा गांधी हैं और महात्मा गांधी को अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लाया गया पहली बार तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और पहले लाइफ मेंबर महात्मा गांधी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, सी वी रमन, मदर टेरेसा, हाल में हम लोगों ने टीस्टा सीतलवाड़ को दिया, तो ऐसे तमाम लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं जिनको लाइफ मेंबर बनाया गया, इसीलिए उनकी तस्वीर वहाँ पर है। लेकिन इसको जिस तरह से अन्ना को ढाल बनाई 2014 में, जिन्ना को 19 में बनाना चाह रहे थे लेकिन ये फेल हो गया, कर्नाटक चुनाव हार चुके हैं, कैराना नूनपुर हार चुके हैं, तो इनको समझ आ गया कि जिन्ना का जो जिन बाहर निकला है वो उनके ऊपर सवार हो गया। लेकिन आप देखिए, होम मिनिस्टर कुछ दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि जिन्ना की तस्वीर पे आपकी क्या टिप्पणी है, तो वो ये कहते हैं कि जिन्ना की तस्वीर उतर गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन्ना की तस्वीर नहीं उतरी है, वो वहीं है और इस तरह से उतर भी नहीं सकती किसी के बयानबाजी से। अगर उसको उतारना है तो कोई आप संवैधानिक तरीके से आइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो जिसको संविधान में जिसका जिक्र किया गया है, कोई किसी के स्टेटमेंट से, किसी के बोलने से चीज़ें नहीं बदल सकती। आप या तो अध्यादेश ले आइए, कानून ले आइए, कुछ नहीं है तो कम से कम एमएचआरडी से कुछ सर्कुलर जारी कीजिए जिस पे हम लोग पॉजिटिव वे में विचार करेंगे। हम लोगों ने क्लियर कहा कि वी आर नॉट सपोर्टिंग जिन्ना, ठीक है, बट वी आर प्रिजर्विंग द हिस्ट्री। हिस्ट्री में कभी काले पन्ने भी होते हैं, कभी सफ़ेद पन्ने भी होते हैं। जिन्ना एक काले पन्नों की तरह है लेकिन वो एक हिस्ट्री है, आप उसको नहीं मिटा सकते। दूसरी चीज़ कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके आडवाणी जी क्यों जाके माथा टेक रहे थे 2005 में? यशवंत सिन्हा जी ने क्यों ऐसी बातें कहीं जिन्ना के बारे में? अरे आपकी पार्टी में सारे जिन्नावादी बैठे हैं, जिन्ना हाउस है मुंबई में, ठीक है, आप उसका नाम बदलिए। नेहरू म्यूजियम के अंदर जिन्ना की तस्वीर है, आप उस तस्वीर को हटाइए। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर गांधी जी के डिग्री के बराबर में जिन्ना की डिग्री लगी हुई है, उसको मोदी जी 2015 में देख के भी आए हैं, बिल्कुल वहाँ पे उसका शिलान्यास पट भी खोला है उन्होंने, तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं ये बताइए सबसे पहले। तो ये जिन्ना की पॉलिटिक्स जो देश के अंदर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लगातार जो है इस चीज़ को मीडिया में बनाए रख रही है। और कल भी मैंने देखा एक ऐसा टॉपिक के मतलब एक अपोजिशन लीडर है उनके बारे में के ऊपर, तो जिन्नाधारी हैं और दिल से जिन्ना है, मतलब जानबूझकर इस चीज़ को प्लॉट किया जा रहा है लगातार। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि लगातार ये सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए इन तमाम मुद्दों पे बात करती है। कभी कोई रेप पे बात नहीं करता, एजुकेशन पे बात नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करता। जब हम उनसे पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई सालाना, तो मालूम चलता है कि भाई कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। 5 लाख नौकरियाँ नहीं लगा पाई पिछले 5 से 4.5 साल के अंदर में। तो इस तरह से जब इनके पास कोई काम के मुद्दे नहीं होते तो इसी तरह के मुद्दे को उठा के लाते हैं। एक और करने वाले और सवाल है कि मुसलमान जो कौम है या और जो मार्जिनलाइज आदिवासीज या SC ST जो कौम है, ये जो कौमें हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वाकई ही ये लोग एडुकेशन में हो, नौकरी में हो, ये पीछे हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, इसका क्या लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन है? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो आपने देखा 2006-07 में जस्टिस सच्चर की एक रिपोर्ट आई जिसको सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, उसमें इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ख़ासतौर से जो सेकेंड मेजॉरिटी जिसको हम कहते हैं मुस्लिम्स को, ठीक है, उनकी हालत जो है वो दलितों से भी बदतर है। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सब्सटेंशियल डाटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि एक कम्युनिटी जो सेकेंड लार्जेस्ट है अपने देश में, उसको इतना पीछे छोड़ दिया। हायर एजुकेशन में 2.1% रिप्रेजेंटेशन है। तो आप जब तक इस कम्युनिटी को खींच के मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तब तक देश जो है विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ये बड़ा विकास करते थे मोदी जी, ठीक है, लेकिन विकास तो हुआ नहीं, कहीं दिखा नहीं। तो देखिए, मेन स्ट्रीम में लाने की इनको ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम में किस तरह से आएंगे कि जब तक इनके एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको सर्विसेज में आगे खींच के नहीं लाया जाएगा और एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा हर जगह, तब तक जो है दलित, OBC, पिछड़े समाज के लोग और माइनॉरिटी, इनका इस देश में उत्थान नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है और पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इन कम्युनिटीज़ को आगे लाया जाए। जस्टिस सच्चर की जो रिकमेंडेशन है, मैं ये चाहूँगा कि मोदी जी बहुत कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का बहुत ख्याल करते हैं, ट्रिपल तलाक बिल ला रहे हैं, सब तमाम चीज़ें हैं, मैं कहूँगा मोदी जी आप
इसका ख्याल अगर करते हैं तो जस्टिस सच्चर की अभी डेथ हुई है और उनकी कमेटी का जो रिकमेंडेशन आप उनको लागू करवा दीजिए, और अगर आप उनको लागू करवा देते हैं तो इस बात का यकीन मानिए कि वाकई इस देश में विकास होगा और होने लगेगा। लेकिन उनके रिकमेंडेशन को आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब तक एक ख़ास कम्युनिटी को, पिछड़ों को, दलितों को प्रताड़ित नहीं करेंगे तो आपकी सियासत नहीं चमक सकती। चलिए लास्ट सवाल आपको हम ये पूछते हैं कि आप एक यंग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में ये एक माहौल है कि स्टूडेंट लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविज्म को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव डाला जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है और क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्टूडेंट एक्टिविज़म को ये सरकार ने जिस तरह से दबाया है, अभी ये रिसेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 मई को जो हुआ, हम लोग जो राइट विंग के गूंस आए थे उनके खिलाफ रिपोर्ट कराने जा रहे थे, थाने में FIR कराने जा रहे थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमको उसके लिए रोका गया। अब आप सोचिए, और पुलिस ने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, 40 स्टूडेंट्स घायल हो गए और अभी तक जो है उसमें कोई सब्सटेंशियल कोई चीज़ निकल के नहीं आई है कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी तो ऑर्डर कर दी गई, इंक्वायरी चल भी रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, 2 महीना हो चुका है। तो देखिए, लगातार इसको दबाइए, सिर्फ AMU के अंदर नहीं है, आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से हाईकोर्ट ऑर्डर करता है, कोई बैन नहीं है, लेकिन JNU एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक टॉप लेवल कमेटी डिसाइड करती है कि आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा और कन्हैया के ऊपर 10,000 फाइन दे दिया जाएगा, उमर को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, जिसकी MPhil सबमिट होने वाला था 4 दिन बाद, उसको एक प्लान्ड वे में इन चीज़ों को किया जा रहा है। सिर्फ AMU JNU नहीं, आप हैदराबाद से देखिए जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, जो रोहित वेमुला का जो इंस्टीट्यूशन मर्डर किया जाता है, आप उसके सुसाइड लेटर को अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली उसमें लिखा है माई बर्थ वॉज ए फेटल एक्सीडेंट। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात उसने कह दी कि एक यूनिवर्सिटी का प्रशासन और जो उस टाइम में HRD मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, उन लोगों ने इतना उसको प्रताड़ित किया कि उस बेचारे ने जो दलित समाज से आने के बावजूद वो जो है PhD तक पहुंचता है, उसके बाद वो फांसी लगा लेता है, ताकि क्यों लगाता है, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है 6 महीने से। आप देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट है जिन्होंने योगी जी को काले झंडे दिखाए, ठीक है, योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए, अरे मैं 100 बार कहूँगा योगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद, क्यों नहीं कहूँगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपका विरोध करेंगे, सीधी सी बात है, चाहे आप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ये हमारा अधिकार है ना, आप हमारे वोट से बैठे हैं, गलत काम करेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। देखिए, विरोध ज़रूरी है और जो सरकार में बैठे हुए उनका ही तो विरोध होगा, विपक्ष का थोड़ी विरोध होता है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार का विरोध नहीं होता किसका विरोध होगा? जो लोग अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं कल को वो सरकार में बैठेंगे, उनका भी विरोध करेगा छात्र, अगर वो सही चीज़ सही काम नहीं करते, छात्रों के हित में कोई बात नहीं करते, तो इस तरह से। लेकिन लगातार जो है वो दबाया जा रहा है स्टूडेंट्स को। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखिए कि रामजस कॉलेज में इस तरह तोड़फोड़ जाके की, एक प्रोग्राम में ABVP के गूंज रहे, कच्छ यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर देखिए कथित मतलब ABVP के लोग थे, ठीक है बिल्कुल, और उन लोगों ने एक प्रोफेसर का मुंह काला करके पूरी यूनिवर्सिटी घुमाया, उसको क्या एक्शन हुआ उसके ऊपर? तो जानबूझ कर ये सारी चीज़ें की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि हमसे पावरफुल कोई नहीं है। मतलब एक प्रोफेसर जो शिक्षा देता है आपको, वो कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके साथ ये चीज़ तो आप नहीं कर सकते कि उसके मुंह काला करके आप पूरी यूनिवर्सिटी उसको घुमाएं। इस देश के युवा को क्या मैसेज देगा? देखिए, इस देश के युवाओं को मेरा ये मैसेज है कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक है, हमें पॉलिसीज को चेकआउट करने की ज़रूरत है कि कौन सी पॉलिसी है जो वो देशहित में है, कौन सी पॉलिसी है जो देशहित में नहीं है। हम पॉलिसीज़ को लेके हम जो है क्या नाम है विरोध करें या हम अपना समर्थन दें। दूसरी चीज़ कि हमें जो ये जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कंट्री का, उससे कंट्री को बाहर लेके आने की ज़रूरत है। और अभी जो युवाओं की तादाद है वो 60% से ज़्यादा है, 65% के आसपास इस देश में युवा हैं, और अगर हम और आप चाहें तो इस देश को हम लोग बदल सकते हैं बिल्कुल, और एक प्रगतिशील देश से जो है हम जो एक विकसित देश की तरफ जो है हम उसको बना सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो तरह तरह के जो वारदात आपने देखे, लव जिहाद हुआ, लिंचिंग हुआ और तमाम तरह की चीज़ें, अब कितनी चीज़ें मैं आपको गिनाऊं, ये इन सब से निकल के हमें रिसर्च पे फोकस करना होगा, जहाँ पर आज 21वीं सदी के अंदर दूसरा मुल्क जो है वो इस बात की रिसर्च कर रहा है कि किस तरह से रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से नई नई चीज़ें आएँ, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इस बात पे बहस करते हैं कि आज इसकी लिंचिंग हो गई तो वो सही है या वो गलत है, अगर उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो सही है या गलत है, अगर उसने किसी खास जानवर का मांस खाया है तो वो सही है या गलत है, अगर इंटरफेथ मैरिज अगर किया है तो वो सही है या गलत है। तो हम आज इन डिबेट में फंसे हैं, कितने अफसोस की बात है
कभी एजुकेशन पॉलिसी पे बात नहीं होती। तो ज़रूरत है, हम सारे युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आइए और पॉलिसी लेवल पे जो भी काम है ठीक है उसको हम लोग करने का काम करें, और जो भी लोग हैं जो सेकुलर माइंड के लोग हैं उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, और ताकि जो है देश को जो है हम आगे बढ़ाने का काम करें, देश को आगे बढ़ाने का ही हम काम में जुड़े हुए हैं। ये थे हमारे साथ, जैसे आपने देखा, यंग एग्रेसिव युवा नेता मशकूर अहमद उस्मानी साहब। थैंक यू, देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।